अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। ये देखें, आज मैंने बनाए हैं पिज्जा फ्राइज विद चिपोटले सॉस। मैक्सिकन चिपोटले सॉस होता है ये, और व्हाइट सॉस। तो आप आज की रेसिपी में पिज्जा फ्राइज के साथ साथ व्हाइट सॉस और चिपोटले सॉस भी सीखेंगे। आइए जल्दी से हम एक है ना टाइटल ब्रेक के बाद अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं ये हमारे पिज्जा फ्राइज कैसे बने। चलें हम जल्दी से अपने पिज्जा फ्राइज की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है दो सॉसेस बनेंगे। एक बनेगा चिपोटले सॉस, जो कि मैक्सिकन सॉस होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैंने लिया है ये हाफ कप मायोनीज है, और इसमें जो स्पाइसेस डालेंगे ये जो है वो खट्टा मीठा और तीखा होता है। तो इसमें मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टी स्पून ईच रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, और हाफ टी स्पून सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट आपका मेयोनीज में भी होता है। तो ये आपके सीजनिंग हो गई। इसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड होगी, 1 टेबलस्पून, मैं 1 टीस्पून डालूंगी पहले, फिर देखेंगे अगर ज्यादा खट्टा चाहिए तो हम डालेंगे। तो 1-2 टीस्पून विनेगर, और लेमन भी यूज कर सकते हैं, और 2 टेबलस्पून केचप डलेगा। इसके बाद हम देखते हैं अपने व्हाइट सॉस के इंग्रेडिएंट्स। व्हाइट सॉस के लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क, फुल क्रीम मिल्क है, डेरी मिल्क, ठीक है। फिर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून फ्लावर, 2 टेबलस्पून बटर, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। आप इसका जायके के लिए ब्लैक पेपर ज्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ। 1 कप में ये मेजरमेंट बहुत बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसके बाद जो पिज्जा फ्राइज हैं, तो जाहिर है पिज्जा फ्राइज के लिए हमें फ्राइज चाहिए। फ्राइज मैंने पहले से बना के रख लिए हैं। 1 किलो 5 आलू लिए थे मैंने, फ्राइज बना के मैंने रख लिए हैं, ठीक है। साथ में मैंने चिकन टिक्का चिकन बनाई है, जो पिज्जा में यूज होती है। मेरी इसकी रेसिपी के लिए आप मेरी पिज्जा की रेसिपी को देख सकते हैं, वहां पे ये फुल डिटेल इसकी रेसिपी है। मैं इसको एंड वीडियो में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ ही पिज्जा सॉस डालेगा, इसकी रेसिपी भी पिज्जा की रेसिपी में इंक्लूड है। आप ये पिज्जा सॉस और चिकन टिक्का चिकन के लिए पिज्जा की रेसिपी को फॉलो करें, वहां पे आपको ये दोनों रेसिपीज डिटेल में मिल जाएंगी। और चीज, ये मैंने 1.5 कप चीज ली है, तो इसको मैं बनाऊंगी। इसको ये जो रेसिपी है आप बेकिंग पैन में भी बना सकते हैं, पायरेक्स की ट्रे में भी बना सकते हैं। मैं इंडिविजुअल बास्केट बना रही हूँ, तो मेरे पास ये पेपर बास्केट है जो पेपर कप्स के लिए भी यूज होती है। कप केक, कप लॉन्ग केक भी मैंने इसमें बनाए हैं पहले, तो मैं इसमें बना रही हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। ये इंडिविजुअल सर्विंग है, आप फॉइल की जो ऐसे ट्रेज आती हैं उसमें भी बना सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले इसके सॉसेस तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम व्हाइट सॉस तैयार करते हैं, आइए हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। आइए हम अपने व्हाइट सॉस की तैयारी करते हैं। व्हाइट सॉस के लिए 2 टेबलस्पून बटर मैंने लिया है, उसको बिल्कुल मीडियम लो हीट पे इसको हम मेल्ट करेंगे अपने पैन में। आहिस्ता आहिस्ता से इसको मेल्ट करेंगे, आराम आराम से। ये जो पूरा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम फ्लावर ऐड कर देंगे। इसमें जो है बहुत स्लो आंच पे मैंने चूल्हा कर दिया है, और अब मैं इसमें फ्लावर ऐड कर रही हूँ, और फ्लावर को अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे। देखिए आराम से ये पक रहा है, कोई इसमें लम्प्स नहीं हो रहा है, आराम से अच्छे से हो रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिल्क ऐड करेंगे। ठंडे उस चीज को आपको हिलाना है। अब मैं सीजनिंग ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट एंड पेपर। अगर इसी सॉस, ये बेसिक सॉस है, इसी को आपको चीज ऐड करेंगे तो ये चीज सॉस बन जाएगा। और इसके अंदर एक चीज मैं भूल गई हूँ, ओरिगानो लीव्स मैं अभी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम पिज्जा फ्राइज बना रहे हैं तो ओरिगानो जरूरी है, तो इसके लिए मैंने ओरिगानो ऐड किया है। अब मैं चूल्हे को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगी।
और जब ये बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसकी थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी, तो हम इसको बंद कर देंगे। बहुत क्विक ये बनता है, अभी जल्दी से बन जाएगा। हिलाते रहना है ताकि ये साइड में लगे ना और नीचे ये स्टिक ना हो। देखिए आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है, बिल्कुल थिकनेस आ रही है इसके अंदर। अच्छे से थिक हो चुका है, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको हम एज इट इज रहने देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आए। अगर ये ज्यादा थिक हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन हमें इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, ये देखें। ठीक है, तो अब हम अपनी बाकी की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आइए अब हम अपना ये चिपोटले सॉस, जो कि मैक्सिकन सॉस है, ये सॉस जो है वो देगी मिर्च से भी बनता है। आप इसके अंदर आप ये चीजें रेड चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं डालना चाहते तो देगी मिर्च को भिगा के और फिर उसको उसका पेस्ट बना के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंस्टेंट रेसिपी मैं बता रही हूँ आपको। मैंने हाफ कप मेयोनीज लिया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून केचप डाल रही हूँ, इसके साथ 2 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून विनेगर और सीजनिंग में सारी ऐड कर रही हूँ। मैं रिपीट कर देती हूँ, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट आपका केचप में भी है और मेयोनीज में भी होता है, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन लाइनर्स को ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे पोटैटोज वगैरह इस पे चिपक ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लेयर हम फ्राइज की बिछाएंगे। अच्छी तरह से इसको फिल करेंगे। आप इसको बेकिंग पैन, जो केक के बेकिंग पैन है, पायरेक्स के डिशेज हैं, उसमें ज्यादा क्वांटिटी में भी बना के सर्व कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूंगी, चंक्स चिकन के छोटे छोटे जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा उस पर कर देंगे हम लोग। चिकन की लेयर भी 2 दफा डलेगी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ज्यादा हम लेयर्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट सॉस। सबसे पहले व्हाइट सॉस की लेयर करूंगी मैं। व्हाइट सॉस अच्छी तरह से ऐड करना है, ये सॉस ही बनेगा बहुत अच्छा सा ना। व्हाइट सॉस ऐड हो गया। इसके बाद ये जो चिपोटले सॉस मैंने बनाया है वो हम इंटरवेल्स पे ऐड करेंगे और इसके ऊपर मैं पिज्जा सॉस लगाऊंगी। पिज्जा सॉस की लेयर आपको अच्छी तरह से लगानी है, ज़ाहिर है पिज्जा फ्राइज हैं तो ये होना चाहिए अच्छे से रिच, ये बड़ा बनता है। मैं एक आपको करके दिखाती हूँ, दूसरा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर मैं अब चीज ऐड करूंगी, शेडेड चीज ऐड करेंगे इसमें थोड़ी करेंगे क्योंकि ऊपर भी आएगी। अब एक और लेयर मैं फ्राइज की लगाऊंगी। ये देखिए मैंने तीनों बॉक्सेस तैयार कर लिए हैं। अब ये बॉक्सेस को मैं एक इस तरह पिज्जा की ट्रे में लगाऊंगी और इसको हम बेक करने रख देंगे।
बस इसको इतना बेक करना है कि आपकी चीज वगैरह सॉसेज मेल्ट हो जाएं, दैट्स इट, और आपके पिज्जा फ्राइज तैयार हैं। तो इसको मैं बेक करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए पिज्जा फ्राइज बिल्कुल रेडी हैं, इसको बहुत ये सॉसी बने हैं देखिए अंदर से। जूसी और सॉसी बने हैं ये, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसके अंदर जो है वो और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कैप्सिकम है, ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं, सॉसेजेस हैं, जो भी आपका दिल चाहे आप ऐड कर सकते हो। आप इसको एक बड़ी डिश में एक फुल मेन मील की तरह भी सर्व कर सकते हैं। और ये मैंने मेरे बच्चों के लिए बनाए हैं अलग अलग, तो अब हम एंजॉय करते हैं इसको। और आप मेरी रेसिपीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज आपको फौरन से मिले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।